उत्तर प्रदेश को बहुत ही जल्द एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। यह करीब 500 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले से शामली तक बनेगा। 20 जिलों से होकर गुजरने वाला गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। इसके निर्माण के लिए नए सिरे से जमीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा। सबसे खास बात यह है, यह एक्सप्रेसवे सीएम योगी के होम डिस्ट्रिक्ट से शुरू होने वाला तीसरा एक्सप्रेसवे होगा। यूपी के गोरखपुर के सोनोली फोर लेन पर पीपीगंज के पास से शुरू होकर संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर होते हुए करीब 20 जिलों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 500 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का ब्लूप्रिंट और कंस्ट्रक्शन के लिए एनएचआई ने इसका डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति भी कर दी है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। अंबाला से शामली तक करीब 110 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है, जिसे 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले से शुरू होने वाला तीसरा एक्सप्रेसवे होगा। इससे पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है, करीब 45% से ज़्यादा का काम पूरा भी हो चुका है। इसी के साथ गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 519 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की डीपीआर भी तैयार की जा रही है, जिस पर बहुत जल्द मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। और अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने भी गंगा एक्सप्रेसवे का सांझापुर से शिलान्यास किया था। 595 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और अभी हाल ही में ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 5 के लिए भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है।